गुड इवनिंग दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा, अगर टिकटॉक यूज करते हो जाओ सावधान, सावधान रहो टिकटॉक यूजर्स। ठीक है, ऐसा क्यों मैंने कहा पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आखिर क्यों मैंने बोला कि सावधानी जरूरी है टिकटॉक से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सावधानी टिकटॉक से, और मैंने लिखा भी है चाइना की घिनौनी सच्चाई टिकटॉक से। ठीक है, हम लोग आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने बोला हुआ अपने पिछले वीडियो में, सीरीज हम लोग चलाएंगे यूट्यूब और टिकटॉक की, कुछ बातें करेंगे कि आखिर क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। आज हम लोग इसमें देखिए, मैं पहले बता दूं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहता, फिर क्रिएटर के प्रति नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं हूं भी नहीं बुरे के सपोर्ट में, लेकिन जो टिकटॉक है मुझे भी मेरी प्राइवेसी प्यारी है भाई। ठीक है, मुझे मेरी प्राइवेसी प्यारी है, पर टिकटॉक तो समझे। आज इस पे आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा है कि आखिर टिकटॉक यूज करते हो तो सावधान हो जाओ। मैं यूथ से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो टिकटॉक यूज करते हैं वो लोग सावधान रहना। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपको टिकटॉक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, बस कहीं भी मिस मत करना। अगर आपने बहुत से वीडियो देखे हैं, बस एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर कोई वीडियो पे आ रहे हो प्लीज इसको पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना। ठीक है, पसंद आया ना आए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कंप्लीट वॉच करना, आपकी सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट वॉच करना। ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी लेके बता रहा हूँ, समझे। तो बस इतना ही बोलना था। चलिए हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह बहुत ही ज़्यादा मुद्दा बिगड़ने वाला है। क्या होता है टिकटॉक के बारे में, अभी जो इंडिया में करंट सिचुएशन, अगर 2019 की बात की जाए तो 277 मिलियन टिकटॉक डाउनलोड हो चुके हैं, और उसमें से एक्टिव यूजर्स कितने हैं तो 120 मिलियन, अप्रोक्स उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 277 मिलियन टिकटॉक, क्या 277 मिलियन टिकटॉक डाउनलोड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा टिकटॉक डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो भाई बात यह है ना, प्राइवेसी कभी सुने, स्पाई सुने, सब कुछ सुनने वाले इस वीडियो में, सब कुछ देखने वाले हैं। आखिर चाइना ऐसा देश है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना से जरूर दिक्कत है भाई, मुझे एकदम दिक्कत है। ठीक है, चाहो तो चाइना वालों इस वीडियो को डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, चलो ठीक, उसे टिकटॉक बनाया, हम लोग क्या होता अगर टिकटॉक के रिलेटेड, कि टिकटॉक पे आप अगर एक वीडियो बना दोगे, ठीक है, कि कोरोना वायरस चाइना से फैला, तो उसे तुरंत वो डिलीट कर देगा, तुरंत डिलीट कर देगा, क्योंकि चाइना शुरू से ही इस सब में आगे रखा है, आगे रहा है बुरी चीज़ों को छुपाने में, नहीं बिल्कुल नहीं, बुरी चीज़ों को, जो अपनी बुरी चीज़ें, उनकी जो बुरी चीज़ें उनको छुपाने में, दुनिया की नहीं अपनी बुरी चीज़ें छुपाने में। ठीक है, बुराई नहीं दिखाया गया चाइना वाला कभी भी, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है वहाँ पर सब कुछ अपना यूज होता है। क्या कभी वहाँ देखे हो कि चाइना वाले गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं? नहीं, आप सर्च करके देखो क्रोम पर, उनका अपना क्रोम है, उनका अपना वेब ब्राउजर्स है, सब कुछ अपना, यहाँ तक कि वो व्हाट्सअप भी यूज़ नहीं करते हैं, अगर मैसेंजिंग की बात की जाए व्हाट्सअप भी यूज़ नहीं करते, फेसबुक भी यूज़ नहीं करते हैं। अब बताओ, ये है चाइना, सब कुछ गुप्त रखना चाहते, सब कुछ राज रखना चाहते, तो भाई हम क्यों उन्हें सब कुछ अपनी जानकारी दे दें, हम क्यों? वो ना तो फेसबुक यूज करते, ना तो इंस्टा यूज करते, ना तो व्हाट्सअप यूज करते, कुछ भी नहीं यूज करते, उनका अपना वी चैट है, उनका अपना सब कुछ है, तो हम लोग क्यों उसकी यूज कर रहे हैं भाई? अगर आपकी करंट सिचुएशन की बात की जाए, जून मंथ की बात कर रहा हूँ, तो जो इंडिया से जो मिला है टिकटॉक को, वो पता है कितने पैसे हैं? 7 to 8 billion dollars। लॉकडाउन में जहां सबकी स्थिति खराब है, पूरी दुनिया की स्थिति खराब है, वहां चाइना फल फूल रहा है, क्या ये चाहते हो? यही हमारा यूथ है। अगर बोल दूं टिकटॉक के बारे में दो चार लाइन बुरा, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। अरे भाई समझो, बात को समझो, बात को नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्यों आखिर चाइना सबसे छुप कर रहता है, क्यों? आप अगर टिकटॉक का परमिशन आप खोल कर देखोगे, परमिशन, तो तुमसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट का परमिशन मांग रहा है, तुम्हारा कैमरा परमिशन मांग रहा है, गैलरी मांग रहा है, सब कुछ, तो तुम्हारा फोन का कैमरा तक मांग रहा है, तो क्या गारंटीड है कि वो ऐसे स्पाई ना होगा? साइबर क्राइम ये सब होता है, तो चाइना वालों क्या, जो आपका जो परमिशन मांगा, तो इसका साफ साफ आपका खुला हो गया कि ले लो मेरी सारी परमिशन, ले लो तुम मेरी फोटोज यूज कर सकते हो, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग, मेरी सब कुछ, तुम सब कुछ सुन सकते हो, क्योंकि वो परमिशन आपने दे दिया है।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूएस ने 2019 में चाइना पर इलीगल जो बच्चों का जो इलीगल जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनके गैलरीज में जो थे उनके जो कॉल वगैरह थे उन सबको इलीगल चोरी करने का उन पर लगा हुआ है। कितना $5.7 मिलियन का फाइन पड़ा हुआ है। और चाइना वाला टिकटॉक कहते हैं कि हम आपकी प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अरे किस बात की गारंटी दे रहे हो भाई, जब यहां तो हो चुका है, एक साल पहले हो चुका है, किसी चीज की सेफ्टी है? अगर साइबर अटैक करना के अगर जरूरत पड़े तो कुछ नहीं चाहिए चाइना को, सब कुछ उसके पास है, हमने सब कुछ दे रखा है भाई, सब कुछ दे रखा है, कुछ बचा है? आप स्क्रीन पर देख लिए, यूएसए ने ऐसे उस पर फाइन मारा है। आप नहीं तो जाकर के सर्च कर लो गूगल पर, अगर मेरी बात झूठ लगे आप गूगल पर सर्च कर लो हाउ मच यूएसए फाइन ऑन टिकटॉक, आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आप मिल जाएगा, आप देख लो। तो भाई मैं यूथ से पूछना चाहता हूं, क्या अपनी प्राइवेसी कुछ नहीं मैटर करती है? मतलब थोड़े से चंद भर के मजे के लिए इतना सब कुछ पे कॉम्प्रोमाइज करोगे? अपनी अर्थव्यवस्था बेकार है, अपनी अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, उस पे से भी तुम चाइना को बढ़ा रहे हो $8 बिलियन, समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा सिर्फ इस लॉकडाउन के अंदर जो भूखे मर रहे हैं यहाँ गरीब लोग, वहां वो फल फूल रहा है यार। सोचो थोड़ी सी मेरी बात को सोचो, जो बुरा लग रहा है ठीक है, हेट करो तुम, आगे डिसलाइक करो, गाली दो तुम, कुछ भी करो, लेकिन बात को समझो, यहाँ ये मैटर थोड़ी सी बात नहीं है। और इन्हीं सबसे ये 2-3 दिन से जो 10 दिन से जो चल रहा है मैटर, मुझे खुशी है कि इंडिया में टिकटॉक का रेटिंग घट गया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कितना ज़्यादा टिकटॉक का रेटिंग घटा, कहाँ 5 स्टार था कहाँ 2 स्टार आ गया है। और पता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा ना तो मैं टिकटॉक को बैन करने के 5 रीज़न बताऊँगा, वो 5 रीज़न ऐसे होंगे कि टिकटॉक को बैन होना ही चाहिए, ठीक है? इसमें तो मैंने एक रीज़न बता दिया, प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी सेफ है नहीं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ कुछ सेकंड की अच्छी चीज़ों के लिए यार टिकटॉक से उतने मन ना लगाओ। मैं तो कहूँगा अभी के अभी उसे अनइंस्टॉल कर दो, अभी के अभी उसे अनइंस्टॉल कर दो, अभी के अभी उसे अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है? इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? तो देखिए क्या बात है कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर कि पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के लोग कितना ज्यादा है, जब 277 मिलियन सिर्फ इंडिया से लोग यूज कर सकते हैं, सेकेंड नंबर पे आपका यूएसए आता है, तो सोचिए कि कितना ज्यादा लोग ऐसे टिकटॉक पे आ चुके हैं। तो साइबर हैक अगर करना का पड़ा, साइबर अटैक करने की जरूरत पड़ी, तो क्या कि चाइना को कुछ चाहिए? वो सीधा मांग सकता है, वो बोल रखा है कंपनियों को कि मुझे अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी किसी भी चीज की तो मैं आपसे ले सकता हूं, मैं लूंगा, चाइना ने बोल रखा है, ठीक है? चाइना ने बोल रखा है, आर्टिकल आप पढ़ सकते हो क्वार्ट्ज पे जाकर के, वहां पर चाइना ने बोल रखा है कि मैं जब जरूरत पड़ेगी मैं ले सकता हूं। तो क्या मुझे वो यूज करने का फायदा? मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई, साथ दो टिकटॉक को बैन कराओ, ठीक? बस जिसको बुरी लग रही वीडियो आओ आकर के रिपोर्ट करो, चैनल डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो, मैं फिर बनाऊंगा, मैं फिर से वापस आऊंगा और फिर से बोलूंगा, ठीक है? हाँ मैं एजुकेशनल हूँ, मैं एजुकेशनल चैनल बनाता हूँ, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, ऐसा सिचुएशन है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में पूरी दुनिया जहाँ परेशान है, आज चाइना फल फूल रहा है यार, कम से कम अपना सोचो तो, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, चाइना क्यों फल फूल रहा है? हम ही लोग के बदल ना, वो हमारी कोई चीज़ यूज नहीं करता, हम उसका सब चीज़ यूज कर लेते हैं, कुछ तो सोचो। कभी जब दिवाली आता है तो बोलते बायकोट, ये बायकोट, वो बायकोट, अरे यार ना तो तुम उसका पबजी छोड़ रहे हो, ना तो तुम उसका लाइट, तुम्हारा उसका टिकटॉक छोड़ो, तो क्या छोड़ रहे हो? सब कुछ तो उसी में लगे हुए हो, क्या पबजी तुम्हारा परमिशन नहीं मांगता? अगर कैमरा का परमिशन तुम किसी को दे रहे हो तो समझ में आ रहा है, वो तुम पे 24 घंटे तुम पे नजर रख सकता है, तुम पे आंखें गड़ाए हुए, तुम चोरी छुपे देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो नहीं करो सब कुछ वो कर रहा है। आप जाकर के प्ले स्टोर पर चेक करो परमिशन लिया हुआ आपका टिकटॉक, चेक करो आपको मिल जाएगा। और इन सब बातों पे भी अगर लगता है कि टिकटॉक अच्छा है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इंस्टॉल करके रखो, पर कम से कम अपने देश के हो तो उसके बारे में भी सोचो। कहाँ इस लॉकडाउन में मजदूर लोग पैदल चलते हैं, भूखे मर रहे हैं, और कहाँ तुम लोग सिर्फ 1 मंथ में $8 बिलियन चाइना वाले को दे रहे हो? सोचो वो $8 बिलियन यार, चलो ठीक है, मेरे वीडियो से पता नहीं कितने लोग ऐसे मोटिवेट होंगे या फिर कितने लोग डिमोटिवेट होंगे, कितने लोग मुझे अच्छे बोलेंगे कि हाँ सर आपने सही बोला, मैं अभी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, या फिर कितने लोग मुझे गाली देंगे और जाकर के टिकटॉक पे। हाँ ठीक है, वो लोग करेंगे जो कि फेम कमाना चाहते हैं, चलो ठीक, तो वो फेम कमाने के लिए तुम अपने देश को तो बर्बाद कर रहे हो, उसके बारे में तो सोच नहीं रहे हो, एकदम नहीं सोच रहे हो भाई, सोचो, अभी भी समय है, सोचो, ठीक? और
जब तक बैन नहीं हो जाता मैं तब तक वीडियोस बोलता रहूँगा, बनाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, जितना वीडियोस होगा मैं बनाऊँगा, ठीक है। चाहे मुझे सपोर्ट मिले, हेट मिले, मैं बोलूँगा भाई, क्योंकि ये सच है, ये मुझे दिख रहा है, सब तरफ से दिख रहा है, आप देख लिए स्क्रीन पर। आप चाहो तो गूगल सर्च कर लो, अगर इसमें से कोई भी चीज़ झूठ लगे तो आप सर्च करो। चाइना क्यों इतना छुपा रहता है? चलो एक कोरोना वायरस की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्यों आखिर उतना जब वहाँ पे एपिडेमिक जो सिचुएशन हो रहा था तो क्यों छुपा करके रखा इतने दिनों? जब पूरी दुनिया में फैला दिया तब जाकर के वो बोल रहा है, किसको मैं ब्लेम ना करूँ बताओ? आज तुम लोग परेशान हो कि ना हो, घर से नहीं निकल रहे हो, छः महीने से चार महीने से बंद पड़े हुए हो, क्या अपने बदौलत हो, अपने दिए के बदौलत हो कि उस चाइना के बदौलत हो? तो क्यों उसकी चीज़ों को हम भाई यूज़ करूँ? क्यों? इतने रीजन काफी हैं या और चाहिए? अगर और चाहिए होगा तो बोलना नेक्स्ट वीडियो में, उससे भी ज्यादा रीजन देकर के आऊंगा कि आखिर क्या है, ठीक। क्योंकि इतना ज्यादा घिनौना मुझे नहीं लगता कि शायद कम पड़ जाए तुम लोगों को समझाने के लिए, समझे। देखो वीडियो पहले से ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, मैं लास्ट पॉइंट बता दूं, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जिससे कि चाहे जो आप लोग टिकटॉक इंस्टॉल किए हो उसको बैन होना चाहिए इंडिया में। 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें से एक पॉइंट मैंने बता दिया, वो है प्राइवेसी, सबसे ज्यादा खतरा है प्राइवेसी का, ठीक है। और चाइना पे भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं, सब पे भरोसा करो चाइना पे नहीं, पूरी दुनिया पे भरोसा करो चाइना पे नहीं, ठीक है, एकदम नहीं भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी। दूसरी वीडियो आएगी कि कैरी मिनाती की वीडियो आखिर क्यों डिलीट हुई, ये आप लोगों को वीडियो आएगी, कैरी मिनाती की वीडियो क्यों डिलीट हुई, ठीक है, ये आएगी। और भी आगे फिर वीडियोस अपना चलते रहेगा, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। वीडियो अगर सही में समझ में आए, अच्छी लगे हो, अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस हो, अगर इसमें आपको लगा हो कि हाँ सही बोल रहे हैं, तो प्लीज़ टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दो, बायकॉट कर दो भाई, एकदम बायकॉट कर दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, बाकी आपकी मर्जी है। देखो यहाँ मेरे पसीने चू रहे हैं, टपक रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये वीडियोज़ बनाने के लिए, सब कुछ बंद करके रखे हुए हैं, पूरा रूम लॉक्ड है, हालत बहुत ख़राब है, पर ज़रूरी था तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा रहम करना, हम पे नहीं खुद पे। और जो टिकटॉक है आपका बंद कर दो उसको, बस। नेक्स्ट वीडियो आएंगे फिर से मिलेंगे आपके साथ। और ये जो फैक्ट पॉइंट्स थे, अगर ये कहीं भी आपको लगे कि ये गलत है, आपके पास गूगल है, गूगल पर भरोसा करते हो, सर्च इंजन है दुनिया का सबसे बड़ा, आप उस पर जाओ, जा करके सर्च कर लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और कोशिश करो कि जितना हो सके ट्विटर पर जाओ, ट्वीट करो बैन, #बैन टिकटॉक, #बैन टिकटॉक, और इस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपका साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में साथ दिया, आपने सपोर्ट किया, आपने बोला कि सर वीडियो चाहिए, तो मैं ला रहा हूँ, और आपके सपोर्ट से मैं फिर से वीडियोज लाऊंगा। तो बच्चों आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, और प्लीज़ लाइक करके बताना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप क्या करोगे, नहीं करोगे, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि जितना जल्दी हो सके बैन हो जाए टिकटॉक, एक बार बैन हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से चालू कर दिया था, तो बस बैन करवाओ टिकटॉक, आप लोग का साथ है तो सब कुछ भी हो सकता है। फिर से मिलेंगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और टिकटॉक से दूर रहें। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पन्थः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत।